होगी तो गा के हवाले, नहीं होगी तो घर को आ जाऊंगा। अगर घर नहीं पहुंचा तो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम नेहा और मैं घूमने जा रहे हैं, और आज क्योंकि आज संडे ना, आज इसकी छुट्टी है, तो बहुत टाइम के बाद हम दोनों एक साथ वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारे रील्स भी बनाएंगे। हम पता कपकोट के ऊपर धार पे जा रहे हैं, जहाँ मैं परसों को गई थी ना, वहीं का घूम के आ रहे हैं। और मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगी जहाँ मैंने 11th 12th किया था। तो बस अभी हम तो थाने से थोड़ा सा ऊपर पहुँचे हैं, तो अब बस निकल रहे पैदल पैदल। और हमें ये बार इतनी में ही थकान लग गई है, नेहा बोल रहे मैं भी नहीं चल पा रही हूँ, और अभी हमें इतना दूरी तय करनी है वो भी चढ़ाई में। तो चलो चलते हैं, अब आपको सीधे स्कूल के गेट के वहाँ पे मिलूंगी, ठीक है? हाँ बोला ना, लाया ला, जबरदस्ती खिला रही यार। तो गाइस अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं, मतलब स्कूल का रास्ता ना पहले यहाँ पे से था, देखो यार अब ये तो पूरा तहस नहस हो गया, बिल्कुल भी एक वो भी नहीं बचा है क्या। तो गाइस ये है रोड से हमारे स्कूल का रास्ता। वैसे भी काफी सीढ़ियां चलनी है आजकल, स्कूल वालों ने बहुत सीढ़ियां बना दी, देखो इतना पैदल पैदल थकान लग रही है, इसीलिए हम अभी धीरे धीरे चल रहे, पता नहीं शाम तक ही पहुंचेंगे। तो गाइस अभी तो हम सीढ़ियों में पहुंचे हैं, और यहाँ पे हमारे स्कूल का छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे पूजा होती रहती है रास्ते में, जो भी लोग जाते हैं थोड़ा भेंट चढ़ा देते हैं। अभी हमें बहुत ज़्यादा ऊपर चलना है पैदल, और धूप भी बड़ी मस्त आई है। और पता है यहाँ पे रास्ते में दो बेंच लगाए हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पे विश्राम के लिए। पता हमारे टाइम पे नहीं था, यहाँ पे रास्ता इतना खतरनाक था ना, एकदम जंगल वाला जैसा रास्ता था ना, नॉर्मली वैसा रास्ता। ये आजकल ही हमारे जाने के बाद सीढ़ियाँ बनी है, ये बेंच की व्यवस्था की हुई है। हम स्कूल में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे अभी बच्चे आए हुए हैं, परेड कर रहे हैं नीचे फील्ड में। शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि अलाउ नहीं होता है ना ऐसे जाना, अच्छा नहीं लगता मेरे को। अगर बच्चे होंगे तो मैं फिर आपको अपनी क्लास भी नहीं दिखा पाऊंगी, मैं कौन सी क्लास में पढ़ती थी 11th 12th, वे पता जमीन पे बैठते थे। तो गाइस यहाँ पे लकड़ियाँ काटी हुई है, क्या पता ऊपर आग जलाते होंगे। और ये क्लासरूम जो है ना, ये पुराने हो गए, मतलब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ऊपर नए रूम बने वहाँ से। नीचे फील्ड है, वहाँ बच्चों की परेड चल रही है एनसीसी वालों की, और यहाँ पे चलते हैं। तो गाइस पहले का स्टार्टिंग स्कूल का ये था, और लेकिन यहाँ से ना अब रास्ता बंद हो चुका है, हमें तो दूसरे उधर वाले रास्ते से आना पड़ा, इसलिए यहाँ से नहीं आ पाए। और ये हॉल है राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट, कोई भी प्रोग्राम फंक्शन होता है ना, 15 अगस्त 2 अक्टूबर कुछ भी होता है तो यहाँ पे होता है। ये छोटा सा हॉल है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन होते तो यहाँ पे किए जाते हैं। ये देखो गाइस, ये हॉल के पीछे ना ऊपर खंड है हमारा कपकोट का, और यहाँ से देखो कपकोट का नज़ारा, वाव, बहुत टाइम के बाद देख रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा ना गाइस यहाँ से। तो गाइस यहाँ से पूरा कपकोट नज़र आ रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ झाड़ कुचाड़े, ये ऊपर दिख रहा ना मकान जैसा, तो ये खंड है हमारा। और उस टाइम पे तो हम ऊपर ही रहते थे, ऊपर ही पढ़ते थे, तो यहाँ पे उतना खेल करने का वो मौका नहीं मिलता था, कभी गेम्स वगैरह होते थे तब तो हम घूमते थे यहाँ पे बैठते थे। देखो यहाँ पे धूप सेकने का भी सही है, बहुत बढ़िया। अभी रील्स भी नहीं बना सकते ना क्योंकि धूप अभी अपोजिट साइड है, इस साइड इवनिंग के टाइम पे इस साइड को जब आने लग जाएगी ना, तो ये पूरे कपकोट का एरिया दिखेगा, बहुत तगड़ा लगेगा, क्यों ना, है ना, सही बोल रही हूँ ना। तो गाइस अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि हमें अभी जहाँ मैं कल मंदिर में गई थी ना, परसों कासिल बुबू के मंदिर में, तो वहाँ के रास्ते ऊपर अभी वहाँ को निकल रहे हैं, ठीक है? और फिर रास्ते में जितना भी चीज़ें होंगी देखने को, मैं वो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो अभी हम निकल रहे, वैसे भी नीचे एनसीसी की परेड हो रही है तो हल्ला नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पूरा स्कूल यहाँ से ऊपर को, पेड़ों की वजह से स्कूल के कमरे दिख नहीं रहे हैं,
अभी ऊपर जाके दिखाएंगे अगर कोई होगा, नहीं तो अगर होंगे तो फिर नहीं दिखा पाऊंगा। गाइस ये स्कूल का किचन है, यहाँ पे 8 के बच्चों तक का खाना बनता है और अभी क्लासरूम में सर लोग हैं तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। ये सारे हमारे प्रिंसिपल उनका ऑफिस है, मतलब टीचरों का ऑफिस है यहाँ पे, और ये किचन है, यहाँ पे खाना वाना बनता है। मतलब जो बच्चे होते हैं कभी गेम्स में आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे समोसा चाय वगैरह बनता है। और गाइज यहाँ पे ये हमारे स्कूल का हॉस्टल है इंटर कॉलेज का। 3 साल पहले ये मतलब चलता नहीं था, पहले कस्तूरबा में था, अब यहाँ पे आ गया, हॉस्टल शिफ्ट हो गया है। और ये नए कमरे बने यार, ये मेरे टाइम पे भी नहीं था ये। और ये तो सारा ऑफिस है यहाँ पे। हम स्कूल से आगे निकल गए क्योंकि टीचर लोग आए हुए हैं ना तो उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पा रहे। अब हम ऊपर को चलते हैं, ठीक है। और गाइज यहाँ पे ये हमारे स्कूल का हॉस्टल है इंटर कॉलेज का। 3 साल पहले ये मतलब चलता नहीं था, पहले कस्तूरबा में था, अब यहाँ पे आ गया, हॉस्टल शिफ्ट हो गया है। और ये नए कमरे बने यार, ये मेरे टाइम पे भी नहीं था ये। और ये तो सारा ऑफिस है यहाँ पे। हम स्कूल से आगे निकल गए क्योंकि टीचर लोग आए हुए हैं ना तो उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पा रहे। अब हम ऊपर को चलते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम ऊपर को चल रहे हैं। अभी भी यहाँ पे पेड़ हैं, रास्ता है तो बहुत सुंदर लगता है। ये आजकल में ही बना है नया, पता नहीं मेरे वक्त तो था नहीं, आजकल ही बना हुआ। और ऊपर भी बच्चों का क्लासरूम है, 8 तक ऐसे बच्चे पढ़ते हैं ऊपर। तो गैस ये छोटे क्लास वाले बच्चों के का क्लासरूम है। तो गैस यहाँ से देखो, ये छोटे वाले बच्चों का क्लासरूम है, यहाँ से ओ लास्ट तक सारे बच्चे यहाँ। और यहाँ पे पहले झाड़ू में प्रेयर होती थी, आजकल पता नहीं, यहाँ पे झाड़ू में प्रेयर होती थी, आजकल फील्ड में होती है। और यहाँ से हॉस्टल दिखाई दे रहा है। आज संडे तो सारे बच्चों ने, लेडीज मतलब गर्ल्स का हॉस्टल है, सारे लेडीज हैं, छत में धूप भी सेक रहे और कपड़े सुखाने डाले। तो यहाँ से पूरा स्कूल का एरिया नज़र आ रहा है ना। ये इस बार तो देखना गमले भी रखे हुए साइड में। अच्छा सरकारी स्कूल में डेकोरेट बड़ा अच्छा होता है, नहीं होता है? सबसे ऊपर साइड वाले के लास्ट के 2 रूम है, मतलब यहाँ पे हमारे बोर्ड के एग्जाम हुए थे 10th के। जब मैं विवेकानंद में पढ़ती थी तो 10th के बोर्ड क्लास मेरे इस रूम वाले पे हुए थे, और बाकी बच्चों के यहाँ फील्ड में भी हुए थे, आधे मेरे बाकी जो फ्रेंड्स लोग थे वो उनके यहाँ हुए थे। सब अलग अलग हो जाते ना, पेपर में बिछड़ जाते, तो ये ऊपर वाले में यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम होते हैं। बोर्ड का सेंटर यहीं आता है, मतलब ये वाले स्कूल में, विवेकानंद का इंटर कॉलेज स्कूल में। जब मैं 10th में विवेकानंद पे पढ़ती थी तो मेरा सेंटर यहीं आया था। गाइस जितना भी था मतलब यहाँ पे स्कूल का मैंने दिखा दिया, बाकी जहाँ जिस क्लास में मैं पढ़ती थी वहाँ पे नहीं दिखा पाई। तो गाइस यहाँ पे भी कुछ क्लासरूम बनाए हुए हैं। अब ये किस चीज के लिए यूज होते हैं पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। पहले यहाँ पे ये टूटा फूटा था पूरा, अब सारा चीज सुधार दिया है और यहाँ से पूरा स्कूल दिखेगा। गाइस अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। रास्ता कहाँ है यहाँ से? ये वाला रास्ता, अरे झाड़ वाले रास्ते से जाएंगे हम, अच्छे वाले रास्ते में मजा नहीं आता ना, बट खुमरी नहीं लगनी चाहिए ना। वैसे तो रास्ता तो ये भी है, हम यही वाले रास्ते से जाएंगे। गाइस एक ऊपर मंदिर दिख रहा है ना, मैंने बोला था ना यहाँ से रास्ता आता है, तो बच्चे शॉर्ट रास्ता जाते हैं यहाँ से मंदिर के रास्ते घर को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ये वाले स्कूल में आते हैं ना इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऊपर को भी बहुत सारे गांव हैं और स्कूल तो ये इकलौता यहाँ ऊपर पे ये स्कूल है, तो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं दूर दूर से, इसलिए ये वाले रास्ते आते हैं। अब हम मिल गए हैं मेन वाले रास्ते पे।
ये वाला रास्ता आता सीधे ये वाला नहर के रास्ते, लेकिन हम शॉर्ट रास्ते आए स्कूल के रास्ते। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये वाला रास्ता जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे को जाएगा, फिर हम पहुंच जाएंगे मंदिर। मंदिर के वाले रास्ते में पहुंच गई। मैंने बताया था ना यहाँ से कपकोट की ओर रास्ता जाता है, तो आज हम उसी रास्ते से ऊपर आए। ज्यादा थकान लगी क्या? हाँ, तो भात खा गया गाइस, जो भात ठूस के आई है, और मैंने थोड़ी सी मैगी खाई थी। हाँ, बहुत ज्यादा थकान हो रही है। तो गाइस मंदिर के तो दर्शन आपने कर ही लिए हैं, तो बस मैं हम अभी हमको बहुत ऊपर जाना है। ये है मंदिर का गेट, श्री कासिल बुबू की जय। आज आपने फ्रंट गेट भी देख लिया ना, उस दिन ही देखा था। तो ये है इसका फ्रंट गेट, और ये यहाँ से पूरा मंदिर का एरिया है, और यहाँ पे गधेरा है। स्कूल के उधर साइड को गधेरा है, मंदिर के उधर साइड भी गधेरा है, और वहाँ पे भी ये राक्षी का स्कूल है, पार दिख रहा ना, राक्षी का स्कूल है यहाँ पे बच्चों का, कक्षा 5 तक पढ़ते हैं। ये राक्षी गांव बोलते हैं यहाँ, राशी या राक्षी कुछ ये गांव बोलते हैं यहाँ पे, राक्षी गांव। तो यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, छोटे वाले बच्चे कक्षा 5 तक। और नीचे से कुछ साउंड आ रही ना, तो इंटर कॉलेज में जो बच्चे हैं वो परेड कर रहे हैं, ये उसी की वॉइस है। 19, 2, 20, 2, 30, 2। चलो अच्छे बच्चे घंटी बजाओ। गुड गाइस, मैं कासिल बुबू के मंदिर के गेट के अंदर हूँ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे विश्राम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट जा रही हूँ, और नेहा अपनी वीडियो बना रही है, मंदिर में घूम रही है वो। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर थोड़ी देर में जाएंगे हम ऊपर की ओर। आज घूम घूम के ऐसा घूमना कोई नहीं घूमता, पागल हो जाएंगे। तो गाइस मैं आपको 2 मिनट के बाद मिलूंगी, ठीक है? गाइस मंदिर के छांव में पेड़ के नीचे यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा ना, और छाया लगी हुई है, इतना लंबा बेंच बनाया देखो मंदिर में। तो मैं ये बाउंड्री में बेंच है ना, एकदम सीमेंट का, तो उसमें लेटी हुई हूँ। मस्त छाया भी पड़ी है, और मस्त धूप भी आई है, मस्त नींद आ रही है। आज यहीं पे सो जाते हैं। अरे मेरा 10 रुपये गिर गया गाइस, मेरा 10 का गिलट। मैं चीजें खाने के लिए लाया था ना घर से, मेरे को बहुत पुराने डब्बे में 10 का गिलट मिला था, तो मैं उठा के लाया। 10 रुपये की कीमत, कौन न जाने बच्चे जाने। तो गाइस हम थोड़ा मंदिर से आगे, जहाँ पे स्टार्टिंग का गेट है ना, ये बैक साइड से अभी हम वहाँ पे हैं। और मैं यहाँ पे ना, हम नेहा ने भी कब से रील्स नहीं बनाए हैं, और हम 4 से 5 वीडियो बनाएंगे रील्स की, जो आजकल जो जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं। वैसे तो कॉस्ट्यूम तो हम लेकर नहीं आए दूसरी, तो इसी में बनाएंगे। तो ठीक है, मैं उस बाद आपको रील्स बनाने के बाद मिलूंगी, ठीक है? तो गाइस हमने 2 रील्स बना दिया, और पता है हम दोनों ने साथ में थोड़ा सा डांस स्टेप सीख के, जो आजकल इंदिरा आर्या का नकली वाला सॉन्ग आया ना, उस पे थोड़ा सा डांस स्टेप सीखे। और बार बार मोबाइल गिर जा रहा है, मतलब मोबाइल रखने का स्टैंड कुछ नहीं है, दोनों साथ में वीडियो बनाते। मैंने सोचा था ना ये लाल गेट के वहाँ पे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा लगभग दोनों की सेम सेटर है बार बार, लेकिन फोन रखने का यहाँ पे बहुत कट्टा जैसा ना, तो फोन रखने के थोड़ा हाई जैसा किया। तो वैसे जैसे तैसे बना दिया, 5, 6, 7 बार बनाए, इसमें से 3 ही वीडियो ठीक ठाक लगी, लेकिन स्टेप अच्छे से मैच नहीं कर रही है अभी, क्योंकि बहुत रियल सेल्फी जरूरत है, और फोन पकड़ने वाला भी कोई नहीं है, स्टैंड में गिर जा रहा है, घास की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस अपना हम ना वापस घर को जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं अभी उतना दूर पैदल चल पाऊँ काफ़ी ऊपर। तो गाइस मेरे ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, तो हम जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते से, हम मंदिर के रास्ते से हम वापस घर को जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी ठंडा था ना, और हम धूप में डांस कर करके बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया। तो गाइस मेरा ना बिल्कुल भी चलने का वो नहीं है, बस मैं घर तक पहुँचाऊँ, मेरा परसों से बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा है, तो मैं नहीं चल पा रही हूँ। और आपको मैं दिख भी दूँगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, और खाना तो लगता ही नहीं लेते, तो शरीर की ताकत कैसे रहेगी ना, तो मैं नहीं चल पा रही, इतना पैदल नहीं चल सकती, चढ़ाई बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, इसलिए हम वापस घर को जा रहे हैं। तो ठीक है, तो अब मैं आपको घर जाता हूँ, उसके बाद मिलूंगी। भाई गली गली में फिरता है तो क्यों बन के बन जा रहा, स्कूल में क्या झांक रही है गंदी लड़की,
क्या दिख रहा है तुझे यहाँ? कुछ दिख रहा है? गाइस ये यहाँ पे बच्चों ने चार्ट बनाए मस्त मस्त, ये लिखा है ना आदमी। अरे वाह यहाँ तो बेंच भी है यार, मेरे टाइम पे बेंच ही नहीं रखे थे। गाइस हम फाइनली घर पहुँच गए हैं और बहुत बुरी हालत में पहुँचे हैं, और मम्मी पापा ने खाना भी बना दिया, भूख भी लग गई थी, तो मैंने आप फोन चार्ज पे लगाती हूँ और खाना खाने चलती हूँ।